अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल महक्स होम रेमेडीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, खाना सबके घरों में पकता है और खाने की वजह से देगचियाँ भी गंदी हो जाती हैं। आज की जो रेमेडी मैं आपको बताऊँगी वो देगची किस तरह से बासानी हम लोग साफ़ कर सकते हैं उसके बारे में है। मैंने थोड़ा सा विम लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा ऐड कर लिया है। इसके अलावा मैं लूँगी लेमन और एक आपको स्पंज चाहिए, स्कॉच ब्राइट। लेमन सबसे पहले आप लेंगे और उसको थोड़ा सा बेकिंग सोडा और विम में लगा देंगे। ये देखिए, इसको मैं इस देगची पे मलूंगी। थोड़ा सा आपको इसका जूस निकालना होगा और इसके बाद आप इसको रख दें इस तरह से। ये देखिए, फिर अगेन लेना थोड़ा सा और इस तरह से ये साफ करते जाना। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं किस तरह से साफ हो रहा है इसका हिस्सा। सारा इसकी जो गंदगी थी वो निकल गई है। 1 टेबल स्पून मैंने अगर बेकिंग सोडा लिया है तो उसका डबल मैंने विम लिया। ये देखिए, इस तरह से आप इसको साफ कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये साफ होता जाएगा। ये देखिए आपके सामने कितना अच्छा और क्लियर हो गया, बिल्कुल साफ हो गया और खास नज़र भी नहीं लगी। ये देखिए, फिर आप थोड़ा सा लगाएं और साथ साथ लेमन को स्क्वीज करते रहें थोड़ा थोड़ा, ताकि इसका जूस निकलता जाए। लेमन चिकनाई को काटता है, गंदगी को काटता है। यहाँ ये खाने में बहुत मुफीद है, इसके साथ साथ ये हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे बहुत यूज़ में होता है। देखें, आप देख सकते हैं मुझे स्कॉच ब्राइट यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद आप एक टिशू लेंगे, टिशू से आप इस देगची को साफ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह पूरी ये देगची साफ हो चुकी है। ये आपके सामने ही मैंने किया। ये देखिए, देगची बिल्कुल आपके सामने साफ हो चुकी है। बहुत इजी सी रेमेडी है और कितनी जल्दी, 2 मिनट भी नहीं लगे इसको और पूरी देगची साफ़ हो गई है। उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।